सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो आज के इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कल के निफ्टी के एक्सपायरी के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे। तो आज बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या हुआ है, और अगर कल का वीडियो आपने मिस किया है तो आज आपने बहुत बड़ा जैकपॉट बैंक निफ्टी के अंदर मिस कर दिया है। तो कल मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपको कहा था कि 43,560,550 ब्रेक हुआ, तो आंख बंद करके पी उठा लो, सी साइड में जाओ ही मत। और जब तक 43,800 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता नहीं है, सी के अंदर जाने का मतलब ही नहीं है। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों ने ये चीज फॉलो की है, मुझे ऑलरेडी मैसेजेस आ चुके हैं कि 43,500 पी ने, जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने 50-60 पे बाय किया है तो 200 और 300 ये ट्रेड जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से बैंक निफ्टी गिरने के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं गिर पा रहा था, और आज के एक्सपायरी के दिन वो मोमेंटम हमें मिल चुका है। और मैंने आपको जो क्लियरली कहा था 43,550 टूटने के बाद कुछ सोचो मत, सीधा पी उठा लो, तो वही हुआ। बैंक निफ्टी ने पी साइड में धमाका मचा दिया था। ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो का टाइटल भी दे दिया था कि पी साइड उठा लो, तो बहुत सारे लोगों ने अगर मिस कर दिया है तो अभी नेक्स्ट एक्सपायरी ट्राई करेंगे कि अच्छा खासा आप ट्रेड ले लो। और प्रीमियम ग्रुप जिन्होंने भी ज्वाइन किया आज के एक्सपायरी के लिए, मंथली बेसिस के ऊपर भी उन्होंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया है। तो प्रीमियम मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन की है उन्होंने मैक्सिमम 50-40,000 यही प्रॉफिट बुक किया है। और ये सारे स्क्रीनशॉट आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन करना मत भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, वहां पर मैं एजुकेशनल ट्रेड प्रोवाइड करती हूँ। और अगर आपको डेली फिक्स इनकम ऑन करना है तो आप मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी अगर देखें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अलग चल रहे हैं। निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो जरूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी का आज पी चला तो इसका मतलब निफ्टी का कल पी चलेगा। निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो हमें 800 के ऊपर मिली है। जो निफ्टी का रेजिस्टेंस था वो एक एक रेजिस्टेंस तोड़ के निफ्टी उसके ऊपर क्लोज हो रहा है, तो कल सी के अंदर भी निफ्टी के धमाका हो सकता है। तो लेवल्स क्या होंगे, कौन से ट्रेड आपको लेने चाहिए, कौन सा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और कौन सा आपको लेवल टूटने पर ही एंटर करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जो लोग इस चैनल के ऊपर अभी नए हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को भी देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगी, इस चैनल के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ऑप्शंस के ऊपर आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर कट एनालिसिस यहाँ पर मिलता है, कल ऑप्शंस में क्या बाय करना चाहिए। इसके साथ साथ एजुकेशनल वीडियोस भी आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपडेट्स नहीं आती है वीडियोस की, जो भी कम्युनिटी पे पोस्ट आती है उसकी अपडेट्स नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं करते ऑल पर, तो ये प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी के कल के एक्सपायरी एनालिसिस के साथ। तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के। सो अभी देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है मेरे सामने, और निफ्टी की कैंडल की बात करें तो कल भी मैंने आपको कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स बहुत ही अलग चल रहे हैं। निफ्टी जहां पर हमें एक होल्ड लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, कल भी हमने देखा कि 19750 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है, एक अच्छी खासी कैंडल पैटर्न यहां पर फॉर्म की है। आज भी निफ्टी नीचे गिरा था 19700 तक, लेकिन फिर से क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 800 के ऊपर आकर खड़ा हुआ है। और मैंने आपको यह भी कहा था कि 19680 जब तक ये लेवल नहीं टूटता है निफ्टी के अंदर पी साइड में जाना थोड़ा यहाँ पर रिस्की हो सकता है। हाँ, 19800 के पास निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से एक गिरावट हमें देखने को मिलती है, लेकिन आज क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसके ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, यानी कि कल के लिए एक स्ट्रांग ओपनिंग के चांसेस भी हो सकते हैं, या फिर निफ्टी फिर से इसी लेवल के पास ओपन होकर 19850 के करीब
और फिर जाकर हमें एक फॉल दिखा सकता है टुवर्ड्स 19700 एंड 19680। लेकिन निफ्टी के अंदर ये तो कंफर्म है कि जब तक 19680 होल्ड हो रहा है निफ्टी के लिए, निफ्टी के अंदर पी साइड में थोड़ा रिस्की है। अगर यहाँ पर निफ्टी ओपनिंग ही अबाउ करता है 19850 तो आप एक चांस ले सकते हो, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप ले सकते हो। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप सीधा पी साइड के लिए जा सकते हो, यहाँ से आप एक अच्छा खासा फॉल जो है वो कैच कर सकते हो कल के लिए, और फिर निफ्टी के पी के अंदर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन ये 50% रिस्की होगा, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप वेट कीजिएगा, पहले आधे घंटे के लिए निफ्टी को सस्टेन होने दीजिएगा। अगर निफ्टी आधे घंटे 800 के ऊपर सस्टेन होता है, 800 या फिर अगर ओपनिंग करके 850 के ऊपर सस्टेन होता है, तो एक बुल्स रैली हम लोग 19900 के तरफ जाती हुई निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। फिर निफ्टी का सी हमें अच्छा खासा जैकपॉट बनाकर दे सकता है, और यहाँ पर आप 19800 या फिर 19750 सी ले सकते हैं। और अगर गैप अप करके आप एक रिस्क लेना चाहते हैं, 19850 880 से आप एक सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं थोड़ी सी रिस्क लेकर, तो आप पी साइड में जा सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वो 19700 पी ले सकते हैं या फिर 19800 850 पी ले सकते हैं। यहाँ पर आप अगर 30 से 40 या फिर 50 से 60 प्रीमियम का पी लेते हैं तो आपको उस पी के अंदर 100 से 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट बन सकता है, अगर मार्केट ने सेल ऑन राइज किया तो। यानी कि अगर 850, जहाँ पर हमें पिछले टाइम भी एक फॉल देखने को मिला है, 2 से 3 टाइम यहाँ से निफ्टी जो है वो हमें गिरता हुआ दिखाई दिया है, तो अगर फिर से यहाँ पर आता है तो अगर फॉल हुआ यहाँ पर एक कैच कर सकते हैं हम लोग फॉल, तो 19680 और 700 तक फॉल होगा और फिर एक अच्छा खासा पी के अंदर जैकपॉट हम लोग बुक कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना कि 19700-720 के पास अपना प्रॉफिट डेफिनेटली बुक कर लेना। अगर आप सोचोगे कि नहीं 19680 से भी नीचे जाने के बाद मैं बुक करता हूँ तो आपका लॉस होगा, जैसे कि बैंक निफ्टी ने आज भी हमें दिखाया सपोर्ट से बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर जा रहा था, जिस वजह से जो भी लोग गलत एंट्री ले रहे थे, जैसे मैंने कहा था कि 43550 ये लेवल टूटने के बाद आपको बैंक निफ्टी के पी के अंदर जाना ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डाउट होने की वजह से वो लोग क्या कर रहे थे कि बैंक निफ्टी जब फॉल दिखा रहा था तभी उसमें एंट्री लेते हैं, और इसमें क्या होता है अगर आप प्रीमियम देख रहे हो एंट्री करते समय 50 है, तो अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो वो 50 का 100 तुरंत ही हो जाएगा और आप 100 पर अपना प्राइस बुक प्राइस जो है वो प्लेस करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, और इसमें क्या होगा कि जो मोमेंटम मिलने वाला था उस मोमेंटम पे आप एंट्री लेते हो, फिर वो मोमेंटम खत्म हो जाता है और बैंक निफ्टी प्रीवियस प्राइस पे आ जाता है, यानी कि 50 पे आ जाता है, तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा लॉस होगा ही होगा। तो जो एनालिसिस है, जो लेवल्स है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और उसी लेवल पे उसी प्राइस पे एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गिरते हुए मोमेंटम कैच करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपका अगर लक अच्छा होगा तो आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर लॉस ही बुक होता है। किसी का अगर लक बहुत ज़्यादा अच्छा है तभी इसमें प्रॉफिट बुक होगा, अदरवाइज आप बहुत बड़ा नुकसान कर दोगे। तो ये मेरी आपको सलाह रहेगी कि ऐसे ट्रेडिंग मत कीजिएगा, प्रॉपरली लेवल्स पे ही ट्रेडिंग कीजिएगा। मैंने अगर बोला है 43550 टूटने के बाद एंटर कीजिएगा तो वही लेवल पे एंटर कीजिएगा, ये नहीं कि आप 43200 के पास पहुंच चुका है मार्केट और अभी आप एंट्री ले रहे हो, फिर वहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और फिर लॉस होगा तो आप बोलोगे लॉस हो गया, ये सब नहीं चलेगा। मैंने आपको कल क्लियरली कहा था ये लेवल टूटने के बाद आंख बंद करके आप पी साइड में जा सकते हो, यहाँ पर आपको डाउन साइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा और वही यहाँ पर भी देखने को मिला। लेकिन जैसे ही निफ्टी बैंक 43200 के सपोर्ट के पास पहुंचा, यहाँ से एक तेज रिकवरी आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर निफ्टी बैंक जो है वो 43400 के आसपास यहाँ पर बंद हुआ है। तो अभी निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो कल निफ्टी के लिए कौन सा ट्रेड ले सकते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर निफ्टी ने जो है वो 19800 के पास तो क्लोजिंग दे दी है, लेकिन अगर ये फेक ट्रैप हुआ या फिर कुछ बुल्स का ट्रैप हुआ तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर जो भी सी बायर्स है
वो अटक सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर राइट टाइम पर एंट्री लेना है। अगर आप देख रहे हैं मार्केट 9850 पर ओपन हुआ है तो आप एक सेलोन राइस की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 19810 या फिर 19760 के पास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पी साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आपको फिर 30 मिनट्स वेट करना होगा निफ्टी के सस्टेन होने का। अगर निफ्टी 19810 के रेंज के ऊपर ही सस्टेन होता है तो एक सी साइड में अच्छी खासी अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी टूवर्ड्स 19900 एंड 950। तो कल निफ्टी जो है वो 900 के ऊपर जाने के चांसेस भी पूरे पूरे बने हुए हैं। तो अगर निफ्टी 800 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक बुल्स रैली हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 2,53,000 का 2,41,000 का है, जो कि 900 और 20,000 के ऊपर है। तो देखिए अगर निफ्टी ने 800 सस्टेन किया तो डेफिनेटली ये इस रेंज में 19900 और 20,000 इस रेंज में निफ्टी ज़रूर आएगा ही आएगा। लेकिन इस रेंज पे आने के बाद आपको आपका प्रॉफिट बुक कर लेना है क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी 50 के लिए, जो इजीली पार करना निफ्टी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कल निफ्टी गैप अप ओपनिंग करने के बाद थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने के लिए 750-800 के तरफ आ सकता है। तो गैप अप के बाद एक पी साइड में पोजीशन बनाकर आप यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देन सस्टेन होने के बाद निफ्टी फिर से अपसाइड के लिए जाएगा तो उस टाइम आप सी साइड में जा सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, दोनों साइड में आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। आपको एक क्विक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, ये जो क्विक ट्रेडिंग है ये आपको सीखने आनी चाहिए। तो ये बात होती है प्रीमियम मेंबरशिप के अंदर, जो प्रीमियम मेंबरशिप है हमारी वहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें बताते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। आप खुद ट्रेडिंग करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं ताकि आप आगे चलकर खुद से ट्रेडिंग कर सकें। तो ये होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अभी निफ्टी के लिए बात करें तो निफ्टी के लिए देखिए अच्छी खासी कैंडल है, लेकिन निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास है, ये भी हमें नहीं भूलना है। तो कल अगर निफ्टी 19850 के ऊपर सस्टेन हुआ तो नेक्स्ट रैली 19920 एंड 19950 के तरफ होगी। अगर इससे नीचे 810 या फिर 750 के तरफ हुआ और इसके ऊपर ही रहा तो यहाँ से कंसोलिडेशन या फिर डाउनसाइड की रैली हम लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 के लिए। सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको जैसे कहा था कि 43,550 के बिलो बैंक निफ्टी और ज़्यादा नेगेटिव है, तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर फिलहाल तो इसके नीचे ही है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर अभी नहीं जाता है निफ्टी बैंक निगेटिव ही रहेगा। तो पहले देखिए निफ्टी बैंक ने 44,000 तोड़ा, अभी 43,550 तोड़ा और उससे नीचे सस्टेन हुआ है। नेक्स्ट टारगेट 43,100 और उसके बाद में 42,700 एंड 800। यानी कि निफ्टी बैंक का डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। जब तक निफ्टी बैंक अभी 44,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, निफ्टी बैंक के अंदर बुल्स के लिए जाना, बुल्स रैली के लिए जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा। ये मेरी सलाह रहेगी अभी आपसे कि सी साइड के लिए जाना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। अभी बैंक निफ्टी को सस्टेन होने दीजिएगा। अभी जो डाउन ट्रेंड चल रहा है इसमें आप पी साइड में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लेना क्योंकि यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। सपोर्ट है, सपोर्ट के पास से निफ्टी बैंक एक रिवर्सल भी ले सकता है। सो ये सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगी। सो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।